अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7। सब्ट्रैक्ट यहाँ पर भी हमें बोरो ही करना है। यहाँ पर हमें सर्कल दिए गए हैं, उन सर्कल पर कुछ सर्कल पर ऐसे क्रॉस मार्क किया गया है। पहले हमें जितने भी सर्कल दिए गए हैं उनको काउंट करना होगा और बाद में माइनस की साइन करनी होगी और जितने ऐसे क्रॉस मार्क वाले होंगे उनको गिनकर हमें जो भी टोटल सर्कल थे उसमें से क्रॉस मार्क वाले सर्कल को माइनस करना होगा। यहाँ पर टोटल कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 5। अब कितने ऐसे सर्कल है जिस पर क्रॉस मार्क दिया है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 5 माइनस 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 सर्कल थे उसमें से 1, 2, 3, 4 4 सर्कल चले गए, तो अब हमारे पास कितने सर्कल बचे, ओनली 1, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1। वैसे ही ये एग्जाम्पल था, वैसे ही हमें दूसरे करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है उसमें कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सर्कल है, उसमें से क्रॉस मार्क कितने सर्कल पर किया हुआ है, 1, 2 सर्कल पर क्रॉस मार्क किया हुआ है, इसका मतलब 6 थे उसमें से -2 सर्कल करने हैं, यानी कि जितने भी पर क्रॉस मार्क किए हुए हैं उनको उतने नंबर को हमें माइनस करना होगा, 6 माइनस 2 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में से 2 को कैंसिल करना है यानी कि 1, 2 कैंसिल हो गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टोटल कितने सर्कल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा 9। बाद में सिंबल करना होगा सब्ट्रैक्ट का, उसमें से कितने ऐसे सर्कल है जिसमें क्रॉस मार्क दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 है, उसमें से कितने कट करने हैं, 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 चले गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4 तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 4। नेक्स्ट क्या है, 5 सर्कल दिए गए हैं, उन सारे 5 सर्कल में ऐसे क्रॉस मार्क किया है यानी कि 5 थे उसमें से 5 के 5 कट कर लिए, तो कितने बचे, 0, तो हमें यहाँ पर आंसर में लिखना होगा 0। नेक्स्ट में सर्कल है वो कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सर्कल है, उन 8 सर्कल में से ऐसे क्रॉस मार्क वाले कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 में से 7 सर्कल को माइनस करना है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में से ओनली 1 को कैंसिल, ओनली 7 को कैंसिल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 कैंसिल हो गए, तो ये कितने बचे, ओनली 1, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1। वैसे ही नेक्स्ट में कितने सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि हमें यहाँ पर 7 लिखना होगा, इस 7 में से 1 सर्कल पर हमें ऐसे क्रॉस मार्क दिखाई दे रहा है यानी कि 7 माइनस 1। अगर 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 में से ये 1 चला गया, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 6। तो ये वाली हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर भी हमें माइनस ही करना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 5
5 में से यहाँ पर कितने बोरो किए हैं, कितने माइनस किए हुए हैं, 3, यानी कि 5 थे उसमें से 3 चले गए, यानी कि 1, 2, 3, तो ये कितने बचे, 1, 2, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2। नेक्स्ट कितने हैं, नंबर क्या है यहाँ पर 8, उसमें से कितने माइनस किए, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हुए। इस 8 में से 4 माइनस करने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 कम हो गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्या है, 4 थे हमारे पास, वो 4 के 4 चले गए, तो अब कितने बचे हैं, 0, 4, उसमें से 1, 2, 3, 4, 4 के 4 चले गए, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट क्या है, 9 माइनस 1, यानी कि 9 थे उसमें से ओनली 1 हमने माइनस किया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है, उसमें से ये नीचे का जो 1 है वो कट कर दिया, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर हमारे पास 7 है, उन 7 के 7 को हम लोग 7 में से 7 कट करेंगे, तो क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या याद रखना होगा, कोई भी नंबर दिया गया हो, सपोज़ हमें 1 दिया गया हो, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि जो भी नंबर दिया गया हो उसमें से उतने ही नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ऑलवेज 0। यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 3, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, 6 में से 3 माइनस करने हैं, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 माइनस किए तो कितने बचे, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट क्या है, 9 माइनस 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हुए 9, उन 9 में से कितने माइनस करने हैं, हमें माइनस करने हैं 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट क्या है, 8 माइनस 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थे, 8 में से कितने माइनस करने हैं, 2, यानी कि ये 1, 2 चले गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 6। वैसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट में जितने भी सम दिए गए हैं वो सारे आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब देखते हैं सेकेंड में भी हमें वैसे ही सम दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, मैं आपको ये वाले 4 करा देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, 9 माइनस 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है उसमें से कितने माइनस करने हैं, 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चले गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 2। नेक्स्ट क्या है, 7 माइनस 3, यानी कि आपके पास 7 नंबर था उसमें से 3 कट हो गए, तो कितने बचे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से कितने कैंसिल करने हैं, 3, यानी कि 1, 2, 3 कैंसिल हो गए, तो अब कितने बचे, 1, 2, 3, 4, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 4, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, 9 माइनस 0, यानी कि 9 थे उसमें से एक भी कोई भी माइनस नहीं हुआ, यानी कि 0 में से कोई भी नंबर को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ये जो नंबर होगा वो वही का वही आएगा, यानी कि 9 माइनस 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9।
नेक्स्ट क्या है, 7 माइनस 1, यानी कि 7 में से हमें 1 माइनस करना है, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 माइनस करना है तो ये 1 चला गया, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 6। वैसे ही ये सारे आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 9, वहाँ क्या लिखा है, राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। यहाँ पर हमें जो भी बॉक्स दिए गए हैं उन बॉक्स में क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, 8 माइनस ब्लैंक बॉक्स, और आंसर में हमें दिया हुआ है 5। जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करवाई थी उसमें बताया था कि ये जो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, यहाँ पर बीच का नंबर हमें ढूंढना हो तो ये जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को बात करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 स्मॉल नंबर दिए गए हो तो हमें यहाँ पर जो नंबर है वो लाने के लिए ये दोनों नंबर को ऐड करना होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस ब्लैंक बॉक्स 5 है, इसका मतलब 8 माइनस 5 करेंगे तो ये बीच का जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें क्या आंसर आएगा वो हमें मिल जाएगा, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने माइनस करने हैं, 5, यानी कि 1 2 3 4 5 चले गए, तो अब कितने बचे, 1 2 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, 3, यानी कि यहाँ पर हमें ब्लैंक बॉक्स में लिखना होगा 3। अब आप लोग 8 माइनस 3 करके भी देख सकते हो कि 5 आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, 2 यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स माइनस 2, आंसर में दिया हुआ है 3। यहाँ पर 2 स्मॉल नंबर दिए गए हैं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, यानी कि 2 प्लस 3, 2 थे उसमें प्लस 3 करने हैं, 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आया, 5। यानी कि अगर हम लोग 5 में से, 5 है उसमें से 2 माइनस करो, 1 2, तो कितने बचे, 1 2 3, तो आ गया ना हमारा ये आंसर, ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्या है, 9 यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स माइनस 9, आंसर क्या आया, 0। तो जैसे कि मैंने बताया कि 9 में कोई भी 0 के साथ कोई भी नंबर को प्लस करो या माइनस करो, आंसर जो नंबर था वो का वही आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, 6 माइनस ब्लैंक बॉक्स 4, यहाँ पर बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से इस नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 4, 6 में से 4 चले जाए तो कितने बचेंगे, 2, तो हमारा आंसर यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 2। अब हमें क्रॉस चेकिंग करनी होगी, 6 है, 6 में से 2 चले जाए तो कितने बचेंगे, 4, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7 माइनस ब्लैंक बॉक्स 6, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा 7, उसमें से माइनस 6 करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है उसमें से कितने माइनस करने हैं हमें, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस हो गए तो ये कितने बचे, ओनली 1, यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में हमें लिखना होगा 1। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक बॉक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों नंबर का हमें क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है उसमें प्लस 5 करने होंगे, 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर आएगा 12 माइनस 7, यानी कि अब हम लोग इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। यहाँ पर हमें बड़ा नंबर नहीं दिया है, उसका मतलब हम लोग ये जो दो नंबर है
ब्लैंक बॉक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, ये जो दो नंबर है टू एंड थ्री उनका प्लस करेंगे, टू प्लस थ्री कितने होते हैं फाइव, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा फाइव। वैसे ही यहाँ पर जितने भी सम है वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। अब हम लोग यहाँ पर ये वाले फोर देखते हैं, यहाँ पर भी जैसे आगे किया वैसा ही करना है, उसमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन में दिया हुआ था सम, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन में सम दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सम दिया गया है, लेकिन प्रोसेस तो जो आगे की वैसी है। यहाँ पर फर्स्ट एट माइनस ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू फोर, यानी कि एट में से फोर को माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है। एट माइनस फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है, एट में से कितने कैंसिल करेंगे फोर, यानी कि वन टू थ्री फोर, तो कितने बचे वन टू थ्री फोर, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा फोर। एट माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, तो ये हो गया हमारा सम। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक बॉक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स है वो उस जगह पर बड़ा नंबर आएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ में से हमें कोई भी नंबर माइनस करे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू क्या आएगा एट। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक बॉक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू नाइन, यानी कि नाइन माइनस नाइन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, नाइन प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा नाइन ही आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा क्या नाइन, यहाँ पर नाइन दिया है यहाँ पर थ्री दिया है, यानी कि नाइन माइनस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है, नाइन में से ये थ्री माइनस कर दिए तो कितने बचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा सिक्स, नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री, तो ये बहुत ही ईजी है, तो बाकी के आप लोग अपने आप ही कर लेना। नेक्स्ट क्या है, लेट्स डू होमवर्क, यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो पता चल गया होगा, और यहाँ पर हमें होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क भी आपको अपने आप ही करना होगा। तो ये हमारा लेसन नंबर फोर सब्सट्रैक्शन फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।